महाधिवक्ता महोदय का बयान 69,000 पासिंग मार्क को लेके आया है सरकार की तरफ से। मैं बताना चाहूंगा कि ये पासिंग मार्क है ना कि कट ऑफ है। कट ऑफ एक चयन प्रक्रिया की अंतिम कड़ी होता है और पासिंग मार्क किसी परीक्षा के पहले निर्धारित किया हुआ एक अंक होता है जिसपे परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण होना होता है। दूसरी चीज जो महाधिवक्ता महोदय बता रहे थे कि पास कट ऑफ को बढ़ा देना चाहिए, अभी कट ऑफ निर्धारण की वो दूसरी प्रक्रिया है। आप सरकार को कितना पासिंग मार्क लेना है यह पहले से निर्धारित किया जाता है। सरकार एक बार निर्धारित कर चुकी है, 9 जनवरी 2018 को सरकार ने निर्धारित कर दिया था कि इस भर्ती का पासिंग मार्क 40 और 45 लेंगे। 68,500 की भर्ती इसमें कर भी चुके हैं, चूंकि भर्ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में हो रही है, इसलिए परीक्षा कराने के उपरांत पासिंग मार्क लगाना गलत है। हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में गए, न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने अपनी सारी चीजें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। कोर्ट ने हमारी सारी दलीलों को सुनने के बाद यह पाया, सरकार ने खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव किया था और इसलिए सरकार के द्वारा जारी किए गए परीक्षा के बाद जो पासिंग मार्क सरकार ने लगाया था उस पत्र को अवैध घोषित करते हुए 29 मार्च को जजमेंट दे चुकी है। हम सरकार से यह अपील करना चाहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, माननीय न्यायालय का सरकार सम्मान करे और न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है 29 मार्च को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 6 सप्ताह के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान करते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट के 16 तारीख के जो जजमेंट का अवलोकन करे और उसका अनुपालन करे सरकार, और उस जजमेंट के आलोक में भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर देनी चाहिए 29 मार्च 2019 के जजमेंट के आधार पे। और उस जजमेंट पे सीधे सीधे कोर्ट ने यह कह रखा है कि 40 और 45 पे भर्ती संपन्न कराई जाएगी।